उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा डैम के पानी में बह गया था, जिसकी खोज में और उत्तराखंड पुलिस के संयुक्त प्रयासों से 72 घंटे बाद पानी में बह रहे युवक को बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिम से बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव मृतक अजय के परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद देर शाम जब 72 घंटे बाद मृतक अजय का शव किच्छा उसके आवास पर पहुंचा तो परिजनों का हाल पूरा हो चुका था। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। को हमें सूचना मिली थी कि अजय श्रीवास्तव नाम का लड़का जो है गुमशुदा हो गया है। जब छानबीन की तो पता चला कि वो कुछ बच्चों के साथ नहाने के लिए गया था, वहाँ डूबने के बाद वहाँ वो डूब गया गहरे पानी में, तो उसकी ढूंढ खोज की जा रही थी। इस बार इसमें SDRF की टीम भी लगाई गई थी और हमारी जो थाने की पुलिस टीम है वो लगाई गई थी। तो आज ये सूचना मिली थी कि फतेहगंज पश्चिम थाना जो है उस थाना क्षेत्र में इसकी बॉडी बरामद हुई है, तो वहाँ माँ बाप को भेजा गया, तो माँ बाप ने उसकी शिनाख्त करके बताया कि अजय श्रीवास्तव की ही बॉडी है। और आज से 3 दिन पहले बच्चा एकदम से गायब हो गया था। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो उसमें ही पाया गया कि वो बच्चा 3-4 बच्चों के साथ नदी किनारे गया था। वहाँ क्या क्या परिस्थिति घटी, कैसे हुआ, तो हम बच्चों से गलती ये हुई कि बच्चे तुरंत आके अपने घरों में बता देते कि ऐसे ऐसे वहाँ गिर गया है, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। जिस भी स्थिति में था उसको रेमेडी मिल सकती थी, अगर वो जिस हालत में होता उसको तत्काल मिल जाता। लेकिन खैर, मैं फिर भी प्रशासन को कहना चाहूँगा कि उन्होंने लाश बरामद कर ली।